और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चाहो तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यार दोस्तों, नीचे किसी ने कॉमेंट किया था एक स्टॉक के बारे में, फार्मा का स्टॉक है। और डेफिनेटली दोस्तों, ये जो फार्मा का शेयर है मैंने खुद बाय करके होल्ड करा हुआ है। जैसे मुझे कुछ संकेत मिल रहे थे कि मार्केट क्रैश हो सकती है, ठीक है, और मार्केट क्रैश अगर होती भी है तो डेफिनेटली ये जो शेयर है फार्मा का, ये बहुत ऊपर जाने वाला है, नो डाउट। अगर मार्केट क्रैश नहीं भी होती है तब भी ये स्टॉक ऊपर जाएगा। उसका एकमात्र रीजन ये है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में, मतलब काफी बेहतरीन नंबर कंपनी लास्ट क्वार्टर में दिए है, उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस लगातार गिरने में लगा है। 30 से 40% करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। समझने का प्रयास करना, काफी बड़ी स्टेटमेंट है ये। तो पर्सनली मैंने भी स्टॉक में काफी अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। मेरी जो मोस्टली होल्डिंग है अभी लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, तो 40% पैसा मैंने इसी में डाला हुआ है, 40%, ठीक है। और इसमें मैं डे ट्रेडिंग भी करता हूँ, ये जो स्टॉक है फार्मा का, इसमें डे ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो डे ट्रेडिंग से भी थोड़ा बहुत पैसा वहां से बन जाता है। और बाकी मैंने लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, अभी मुझे इस पे 3 से 4% का गेन आ रहा है, मात्र 3% का गेन आ रहा है, ठीक है। और मेरा स्टॉक का जो टारगेट है वो एटलीस्ट 10% का रिटर्न का है, क्योंकि मेरी इसमें कैपिटल थोड़ी बड़ी है तो मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। और साथ में आपको पता है मैं इसमें डे ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ अपना रिस्क रिवॉर्ड। तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो स्टॉक को नजर में रख सकते हो। मैंने जब मार्केट में 17,000 का लेवल तोड़ा था, अभी तो दोबारा ऊपर जा चुकी है मार्केट, ठीक है। लास्ट टाइम जो तोड़ा था 1-2 हफ्ते पहले, तो मैंने आपको बताया था कि स्टॉक कैडिला मेरे शेयर में भी है, मतलब पोर्टफोलियो में भी है। कैडिला शेयर उसका नाम है, और उस समय स्टॉक का 450 रुपये ट्रेड कर रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ फुल स्टोरी क्या है। तो आप देख सकते हो मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, उसका नाम कैडिला हेल्थ केयर है, ठीक है। मैक्स आप देख सकते हो स्टॉक अपने हाई से काफी टूट चुका है, ऑलमोस्ट 30% की करेक्शन स्टॉक ने अपने हाई से दिखाई है। तो बोल सकते हैं कि स्टॉक भैया करेक्शन स्टॉक की खत्म हो चुकी है, और स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया अपने सपोर्ट एरिया के आसपास, देख सकते हो बिल्कुल सपोर्ट वहीं लिया है। तो स्टॉक के जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे, इमीडिएट टारगेट रहेंगे, ये टारगेट है और ये टारगेट है। जो मोटा मोटी क्या निकल के आता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे खुद के ये टारगेट है, मैं यहाँ के लिए वेट कर रहा हूँ। पहला टारगेट है 510 रुपये का, एंड दूसरा टारगेट है 530 रुपये। तो 530 रुपये से पहले तो मैं स्टॉक को बेचने वाला नहीं हूँ, और मेरी जो बाइंग निकल के आती है स्टॉक 466 के आसपास की निकल के आती है। तो मतलब मोटा मोटी मुझे 50 रुपये की यहाँ पर अच्छा खासा मिल जाएगा, और मेरे पास थोड़ी अच्छी क्वांटिटी है तो मुझे कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। साथ में इसमें डे ट्रेडिंग मैं करता हूँ, ठीक है। जिनको नहीं पता कि स्टॉक में जो आपने स्टॉक ले रखा है उसमें आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग का मतलब क्या, देखो ये नहीं कि आप बड़ी ट्रेडिंग करो, नहीं, आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो। मान के चलो अगर आपका 100 क्वांटिटी है तो आप 10 से ट्रेडिंग करो, 10 क्वांटिटी से, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे 10 क्वांटिटी से क्या होने वाला है, एक बार करके देखो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। फ्यूचर में आप जुड़े रहो, फ्यूचर में मैंने जो कोर्स लिया सर से, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने तो उसको 5,000 रुपये का पेमेंट करी सर को, ठीक है, लेकिन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ, और वी आर स्टॉक करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल में फॉलो कर लो। वो सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बहुत सिंपल, ठीक है। हाँ, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन, साइकोलॉजी का गेम है, 101% है, ठीक है। स्ट्रैटेजी तो बता दूंगा, स्ट्रैटेजी से काम नहीं चलेगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन और साइकोलॉजी आपकी मैटर करती है, उसको डेवलप होने में टाइम लग सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी भी अगर आपको किसी का कोर्स लेना है तो आप उसके घर जाके कोर्स करो तो बढ़िया रहेगा, अब मर्जी आपकी है भाई, थोड़ा महंगा हो सकता है लेकिन उसके घर जाके करो तो बढ़िया है। क्योंकि तो भाई ये कोर्स डिसिप्लिन, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी मैटर नहीं करती है, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी मैटर करती है। क्योंकि देखो होता क्या है, शुरू शुरू में हमारा पैसा स्टॉक मार्केट से नहीं बनता है, जितना आप चाहते हो, जितनी आपकी सैलरी है, ठीक है। अगर महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हो, 30,000 रुपये कमा रहे हो, तो आप 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये में खुश नहीं होने वाले, 500 रुपये में खुश नहीं होने वाले। और शुरू में हमें इसी प्रॉफिट के साथ खुश होना पड़ता है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप बड़ा सोचोगे, बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, तो बड़ा लॉस भी उतना बड़ा होने वाला है, तो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा जो प्रॉफिट होते हैं वो छोटे से स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। इसलिए तो मोस्टली जो ट्रेडर वो फेल होते हैं, समझ गए। तो यह है साइकोलॉजी, ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के स्टॉक को होल्ड करना, कैडिला को होल्ड कर सकते हो, अच्छा स्टॉक है मेरे हिसाब से भाई, ठीक है। तो वो बाई कैडिला, अभी 2 दिन पहले खबर आई है कैडिला की, 551 रुपये का टारगेट, ठीक है, और 720 रुपये का टारगेट शेर खान की तरफ से। तो भाई क्या चाहिए, जब शेर खान बोल रहा 720 तो
तो 550 तो जाना ही जाना है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज बोल रही है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कैडिला का, एक बार कैडिला हेल्थ केयर का देख लेते हैं। एक बार जो कैडिला है अभी मार्केट कैप्स का 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है, जो अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 483 रुपये ट्रेड कर रहा है, और आरओसी ऑलमोस्ट 14% के आसपास है, काफी बढ़िया है, और डिविडेंड यील्ड आप देखते हो 0.72% के आसपास है। बाकी नीचे लेके चलता हूँ, कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, अच्छा डिविडेंड आपको दे रही है, राइट, और क्वार्टर रिजल्ट आप देख सकते हो 3700 करोड़ की सेल्स हुई है। बाकी अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी के 3000 करोड़ प्लस प्रॉफिट आया है सेप्टेम्बर क्वार्टर में, उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, अदर इनकम से आया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। और ईयरली परफॉर्मेंस आप देखो, सेल्स लगातार बढ़ रही है, और यहाँ देखो कंपनी के नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, नंबर्स तो ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऊपर के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक को बाय करो और यहाँ पर सेल करो, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट देखो, रिजर्व बढ़िया है, और डेट 6,000-4,000 करोड़ का है, कैश फ्लो 90 करोड़ का नेगेटिव है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑसम है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% है, एफआईआईएस की होल्डिंग 4% है, डीआईएस की होल्डिंग 11% है, जो लगातार ग्रो हो रही है, और साथ में पब्लिक की होल्डिंग मात्र 9% है, तो पब्लिक में जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है बहुत लो है, 9% के आसपास। तो भैया आपको हिंट दे रहा हूँ, अभी भी ये स्टॉक अच्छा है, 550 तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बोला है, मैं कुछ स्टॉक को 550 के टारगेट में होल्ड करने वाला हूँ, क्या पता मैं स्टॉक को अपने जो उसका हाई है 700 रुपये का वहां तक भी होल्ड करूँ, क्योंकि मेरे पास तो अच्छी क्वांटिटी है, तो मैं धीरे धीरे करके इसको सेल करूंगा, राइट। तो बाकी आप भी स्टॉक को नजर में रख सकते हो, 7 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 30% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। अब आपको एक बार मैं अपना दिखाया था कि मैंने स्टॉक को कितने बाय किया, और लास्ट में स्क्रीनशॉट लग जाएगा, आप देख लेना कि मेरी जो कॉस्ट निकल के आती है स्टॉक में कितने रुपए की है, ठीक है। और वो स्क्रीनशॉट देखने से पहले एक बार इसका चार्ट पैटर्न देख लो आप, तो आप देख सकते हो मैंने चार्ट पैटर्न स्टॉक का खोल दिया है, और जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो ये सपोर्ट एरिया बनता है स्टॉक का, और करंटली स्टॉक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। ये देखो सपोर्ट, एक एक स्टॉप लॉस 4-10 रुपए का है, और दूसरा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 4-36 रुपए का, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया इमीडिएट टारगेट रहेंगे 522 रुपए के, ठीक है, आप 522 रुपए से पहले स्टॉक नहीं रुकने वाला, मानो ना मानो, ठीक है। तो ये सपोर्ट दे चुका है, अगर आपको किसी को बाय करना है तो यहाँ 472 के आसपास बाय करके चल सकती है, क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, अगर नीचे आता है ये तो 474 आ सकता है, तो यहाँ स्टॉक सपोर्ट लेने का ऊपर जाएगा 522, फिर दोबारा सपोर्ट लेगा इधर कहीं 500 रुपये के आसपास, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली आप चाहो तो स्टॉक का एक्यूमुलेट करके चल सकते हो, अच्छा फार्मा का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अच्छा ब्रांड है, अच्छा रेपुटेशन है इसकी, और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफी टूट चुका है, राइट, और सभी बड़े जो है ब्रोकरेज हाउस इसको बाय टैग दे रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखो। और इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और लास्ट में एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा मैंने क्या कॉस्ट में स्टॉक को बाय किया है, आप देख लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।